में हुआ जो हमला है, जो कायरतापूर्ण हमला हुआ है, ये भी उसकी उसी की एक कड़ी है जिसका हमारी सरकार ने काफी अच्छे रूप से जवाब दिया। परंतु ये चेन ऑफ इवेंट्स की तरह इमर्ज करके आ रहा है। हमला होता है, हम लोग उस पर कार्यवाही करते हैं, परंतु कुछ दिन बाद वो चीजें पहले जैसे सामान्य हो जाती हैं। तो आपकी सरकार ऐसा क्या कर रही है जिससे कि इस समस्या का समूल रूप से खत्म कर दिया जाए? देखिए जी, मैं आपको हृदय से धन्यवाद देता हूँ कार्यक्रम में एक वह प्रश्न किया जो सचमुच देश के आम जन के मन में वर्तमान में है। एक बात तो मान करके आप चले कि कश्मीर में जो कुछ हो रहा है यह उसी प्रकार से है जैसे कोई दीपक जब बुझता है तो तेजी के साथ जलता है। यह आतंकवाद अब अपने समापन की ओर है और इसको पूरी तरह समाप्त करने के लिए केंद्र की मोदी सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है। इस तरीके से आतंकवाद के खिलाफ जो व्यापक मुहिम छेड़ी है उसमें यह एक उन लोगों के मन में जो द्वेष है उस भावना के साथ उस घटना वहां घटित हुई। लेकिन हम सब को इस बारे में देखना चाहिए कि हमारे 72 जवानों ने 48 घंटे के अंदर ही इसका मास्टरमाइंड जो था उन सभी आतंकवादियों को पुलवामा के अंदर ही मार गिराया। इसके अलावा मुझे अभी हो सकता है कि चीजें बहुत उम्र हो, लेकिन मैं इस बात को कह सकता हूं कि कल ही रात्रि में एक ऑपरेशन हम लोगों ने भी उत्तर प्रदेश के अंदर किया है और पुलवामा से जुड़े हुए कुछ ऐसे लिंक मिले थे जिसको लेकर एक बड़ा ऑपरेशन हम लोगों ने यूपी में किया है रात्रि में। उसका मुझे लगता है अभी बहुत चीजें सामने नहीं आ पाई है ना, अभी हम लोग बहुत उसका रहस्योद्घाटन नहीं करना चाहते हैं। लेकिन आप ये मान करके चलिए कि आतंकवाद का यह अंतिम वो चल रहा है और आतंकवाद को पूरी तरह मोदी जी के नेतृत्व में देश समाप्त करके रहेगा।